नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। राधा स्वामी सिटी मैम में आप सभी का स्वागत है। किसी ने बहुत सही बात कही है, यकीन करो वो जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है ना, वो सिर्फ रब ही है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के सवाल जवाब सत्र के दौरान संगत ने प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी से निजी जीवन, भजन सिमरन को लेकर अनेकों प्रश्न किए, जिस पर बाबा जी ने उदाहरण पूर्वक उत्तर देते हुए संगत की मन की शंकाओं को दूर भी किया। इस सवाल जवाब के महत्वपूर्ण अंश RSSB चैनल से लिए गए। वीडियो को तो हम आपको अपनी नीतियों के कारण पूरा नहीं दिखा सकते, इसलिए वीडियो को देखने के लिए लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए बाबा जी ने संगत द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर क्या उत्तर दिया। बबे राज स्वामी जी, बबे नामदान की बख्शी जरूर करना जी। बाबा जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब मैं ध्यान च बंदा वहाँ, जो जो अंदरों एक्सपीरियंस हों मेरे को हाजम नहीं होंगे, बर्दाश्त नहीं होंगे, मतलब मैं किसी ना शेयर कर दिता, वो किदा हजम करूँगा मैं, दसो। बेटा देखो, आप रोटी खाने हैं, हजम करते हैं, ता ही तो ताकत मिलती है। हूँ घर च कोई कीमती चीज़ हो, आप डोंडी तो नहीं पिटते फिरते ना, उन्होंने संभाल के रखते हैं। सो उस तरह बेटा, भजन सिमरन के वक्त जो चीज़ हजम करांगे उहदे नाल होर ताकत वधूगी। जे दूजिआं नूं दस देंगे, जदों इंसान उल्टी करदा, जिन्ना खाधा उस तों कितें ज़्यादा कढ दिंदा, तां आपां नूं संभाल के रखना चाहिए है ना। बाबा जी, द वन हू टॉट अस, द वन हू रेज़ अस टू दिस लेवल, द वन हू टॉट एवरीथिंग, वी लर्न फ्रॉम दोस। And when the time comes and they fail their word, they don't stand up to their words on, and that just disturb the whole environment of the house, and that so anger. परख नहीं करी दी हुंदी बेटा, परख नहीं करी दी हुंदी। आपा की किसे दा 100% दी पूरा कीता है, सोच बेटा। उन्हां दी उम्मीदां आपा 100% दी उतरे हैं, सारे दी उम्मीदां दे उत्ते बेटा। जे आपा नहीं उतर सकते, आपा किवें उम्मीद रखते हैं कि दूजे साडीआं उम्मीदां ते पूरा उतरनगे बेटा। कदे जिन्ना किसी का होंगे बेटा, कोशिश तो सारे ही करते हैं। हुण आपां नूं की पता कि उन्हां दी की मजबूरी है, उन्हां दी की रुकावट है, आपां नूं तां पता नहीं ना। आपां देखो बेटा, किसी की भी की कहिंदे आ, जो बोझ है उन्हां ते इंसान नूं पता नहीं लग सकता। सो इस करके आपां तां अंदाजा ही लगा सकते हैं। आपां अपने वल्लों मेहनत करिए, क्यों आपां दूजिआं तों सहारा लैंदे हैं। अपनी जिंदगी का रुख तुसीं आप सामने रखो, बजाए दे कि आप कहीए कि भी उन्हें आ करता, उन्हें आ करता है। गिले शिकव्या बेटा बहुत जिंदगी बहुत छोटी है, गिले शिकव्या गुजर चुकी। पॉजिटिव रहो, अगे देखो, पिछे मुड़ के ना देखो। बाबा जी, वी हैव टू लिव विद देम, सो दे क्रिएट द एनवायरनमेंट, वी हैव टू लिव इन दैट। अगर माहौल, कोई एनवायरनमेंट माड़ा नहीं होंदा बेटा, कोई नहीं माड़ा, चंगा आपा पढ़ाने, कोई एनवायरनमेंट माड़ा नहीं का, सारा ही चंगा, ठीक है ना। ये इंसान की फितरत है कि आ मेरे वास्ते चंगा, मेरे वास्ते माड़ा, जो मालिक ने बनाया वो माड़ा नहीं हो सकता। ये साड़ी सोच ने या साड़ी चाहत ने उन्हें चंगा बुरा बना देता बेटा। इस करके हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए, उसके भाणे विच रहिए, अपने आप बख्शिश करूंगा। बाबे जदो गल आती है सिलेंडर की, सबमिशन की गल आती है, तो बंदा कितने कितने आके अपन सरेंडर कर देता है, बट जदों आप डिसीजन लेना होता है कि करना या नहीं करना है, हाँ या ना है, या फिर किस रास्ते जाना चाहिए है, तो उत्थे बहुत औकड़ आती है कि सरेंडर तो बहुत उच्ची अवस्था है, ऐ नहीं सरेंडर होंगी जिमें आप समझते हैं। आप ठीक है, किसी की गल मान ली, कहता जी चलो मैं तेरे अगे सरेंडर करता, ये सरेंडर नहीं होंदा। सरेंडर तो बहुत उच्ची अवस्था है बेटा। हाँ जी बाबा जी। सो इस करके एक दूजे दीयां गल्लां मन लैनियां या तुसी पिछे हट जाना, उहदी मन मर्जी हो जानी, ये कोई सरेंडर नहीं गा। सो ऐ ना सोचो बेटा, जिंदगी बहुत लंबी है, खुश रहो, बजाय छोटिया छोटिया चीजां लैके आप सोचना शुरू कर दिए। जी बाबा जी, पर डिसीजन किवें लिता जा सके कि हाँ, तुसी अपने वास्ते सोचो कि मेरे वास्ते की ठीक है, और उन्हों अपनी मेहनत के उत्ते पूरा करने की कोशिश करो, बजाए दे कि आप दूजिया तो उम्मीदा रख के सोचिए कि उन्होंने साड़िया साढ़े वास्ते पूरा करना कुछ। ठीक है बाबा जी, अरदास एक छोटी जी। बाबा जी, अरदास है कि इत्थे ही रख लो मैनू, बाहर मैं रुल जाता, फिर तो बुलाते भी नहीं। बेटा देखो,
इंसान सोचता ना कि जो सारा कुछ ठीक हो जाऊगा आइडियल एटमोसफियर होगा, आइडियल एटमोसफियर हो नहीं सकता। आप सब चीजा के बावजूद भजन बंदगी करनी है। आप सोचते जो सारा कुछ ठीक हो जाऊगा बेटा, देखो जिहड़ा माहौल है वह असी बनाना, किसी होर ने नहीं साडे वास्ते बनाना। असी सोचते हैं कि दूजिया ने बनाना हैगा, यह तो फिर थोड़ी कमजोरी होगी। सो बेटा जे आप सोचिए कि किसी नूं आइडियल पेरेंट्स मिलणगे, आइडियल मियाँ बीवी होणगे, आइडियल सरकमस्टांसिस होणगे, नहीं वो एक लक्ष्य हो सकता है जिहदी तरफ आपां वधना है। जिंदगी च आइडियल हुंदा नहीं कुछ, प्रैक्टिकल लैवल ते जो भी अवस्था है, जो भी मालिक ने दिता है, आपां उस तरह चलना है, उहदा शुक्र करना है बेटा, कदर करनी है। जो उन्हें दिता है उहदी कदर करांगे, अपने आप होर देऊगा। अगर आज का सवाल जवाब वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें।